But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज की न्यूज काफी कमाल की होने वाली मार्वल फैंस के लिए, ब्लैक पैंथर फैंस के लिए। ब्लैक पैंथर एक ऐसा न्यू ब्रांड न्यू सुपर हीरो है जो काफी कमाल का है और दिखने में अजीब सा है, बट काफी ताकतवर है। और निक फ्यूरी इस सुपर हीरो पे काफी टाइम से नजर रखी हुआ था। इसका एक छोटा सा हिंट मैं देता हूँ आपको, आयरन मैन का पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद होगा जिसमें कि अफ्रीका के ऊपर एक छोटा सा टारगेट बना रखा था। और आज तक निक फ्यूरी इसे ढूंढ क्यों नहीं पाया ब्लैक पैंथर को, क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास, आपको ब्लैक पैंथर मूवी तो याद ही होगी जिसमें कि ब्लैक पैंथर के पास काफी सारी टेक्नोलॉजी थी हाई लेवल की, उस पर एक शील्ड भी थी जिससे कि उसे कोई सर्च नहीं मार सकता था। और वकांडा, किसी को पता भी नहीं था कि वकांडा कहां पर है। उसके बाद अब निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल के बाद सीधे आपको ब्लैक पैंथर 2 में देखेंगे, जो कि काफी कमाल की बात होने वाली है। और ये सब कुछ उन्होंने रिवील्ड करा एक इंटरव्यू में। फाइनली इनका क्रॉसओवर होगा ब्लैक पैंथर 2 में और निक फ्यूरी फाइनली वकांडा जाएंगे और इससे लड़ेंगे और उससे पूछेंगे तुम में क्या क्या पावर है, जैसा कि निक फ्यूरी हर एक सुपर हीरो की नॉलेज में रखता है। तो निक फ्यूरी पूरा हक जताएगा वकांडा पर और ब्लैक पैंथर पर, क्योंकि सारे सुपर हीरो उसके अंडर में आते हैं। तो गाइस, आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर डोरेमोन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।